गंदी नॉइस आती है, कट आवाज आती है गंदी, मतलब ऐसा लगता है कुछ चीज प्रेस टाइटली प्रेस कर रहे हैं। सब कुछ सेम है, बस मेरे को चलाना और आसान हो गया गाड़ी को, कि मैं तो मैनुअली लूंगा, जबकि मेरे पास ऑप्शन था ऑटोमेटिक का। और इस भाई ने भी मुझे बोला था भाई ऑटोमेटिक ले, वो तो मर्द गाड़ी है वो तो भाई, फोर सिलेंडर स्टीयरिंग भी हाइड्रोलिक है, सही कह रहे हो। हम भाई कैसे हो सारे के सारे, आज हम पिछली वीडियो में आपने देख लिया होगा भाई, स्कॉर्पियो एन का हमने रिव्यू लिया था रोहन भाई का, डीजल में ऑटोमेटिक जेड डिटेल। आज भाई चलाने वाले हैं हम इसको ऑटोमेटिक, पहली बार ही चलाएंगे, पहली बार चलाएंगे कोई ऑटोमेटिक, हम मैनुअल ओनर है भाई, हमारे पास मैनुअल है तो उसमें हमें काफी इश्यूज फेस होते हैं। इश्यूज क्या फेस होते हैं भाई बताएगा, भाई ओनर है वो तो मैं चलाते हुए बताऊंगा आराम से। भाई देख मैनुअल में देख चलाते हुए सबसे बड़ा तो इश्यू सबको पता है भाई, इसका क्लच प्लेट भाई जैसी, मतलब कभी तो वो कट आवाज करेगी कभी नहीं करेगी। उसका क्या होता है कभी कभी मैं जैसे गाड़ी ऑन करता हूँ अपना, क्लच पे जैसी पैर रखूंगा तो अजीब सी कुछ नॉइस। एक इशू पहले था जब कंपनी ने आपको बुलाया, रिकॉल करा, उसके बाद भी इशू हो रहा है। मैं कहूंगा जब मेरे को कंपनी रिकॉल करा ना उस समय कोई इशू नहीं था मुझे। अच्छा, रिकॉल के बाद 2 महीने बाद से होना शुरू हो गया। अच्छा, अब पता नहीं क्या, उसके बाद तो क्लच स्मूथ हो गया था जब वो हुआ था। अच्छा, तब तो बिल्कुल बेस बढ़िया चल रहा था। उसके तो फिलहाल क्या इशू फेस कर रहे हो आप? फिलहाल मैं इशू फेस कर रहा हूँ कि वो उसमें आवाज आती है जीपसी, मतलब बहुत गंदी नॉइस आती है, कट आवाज आती है गंदी, मतलब ऐसा लगता है कुछ चीज प्रेस टाइटली प्रेस कर रहे हैं। जब आप क्लच दबाते हो या क्लच छोड़ते हो? अचानक कभी भी आ जाती है, कभी भी आ जाती है। उसका कोई, मैं उसे रिकॉर्ड करने की कोशिश करी बहुत बार, जब भी मैं अपना कैमरा ऑन करा जब नहीं आती हूँ। तो चलो भाई ऑटोमेटिक में देखते हैं क्या क्या डिफरेंस है, अगर हम मैनुअल और ऑटोमेटिक कंपेयर करें, जिससे आप भी अपना गाड़ी लेने जा रहे हो तो प्लान कर सको कि भाई ऑटोमेटिक की तरफ जाए मैनुअल की तरफ जाए। भाई देख है कुछ भाई दम है, एक तो भाई डीजल मारना पड़ रहा है यार, सबसे ज्यादा बड़ी तो दिक्कत यही रहती है भाई, जो जिसका मुझे शौक था, मैं अपनी गलती मान रहा हूँ, सबको होगा भाई, आप जो व्यूअर्स देख रहे हैं उनको भी है ना, जो मुझे कह रहे हैं भाई हाँ। कि तुम्हें चलानी नहीं आती मैनुअल, तुम नहीं चलाना चाहते। अच्छा, भाई मैंने भी सोचा था एक चीज बताओ हाँ। जैसे आप पेट्रोल चलाते हो हाँ। तो पेट्रोल में 200 हॉर्स पावर है हाँ। यानी कि इससे 25 ज्यादा है हाँ। तो उसमें आपको क्या फर्क लग रहा है भाई? पेट्रोल का पिकअप इससे बहुत बढ़िया है। अच्छा है ना, ज्यादा बढ़िया है, उठती चली जाती है वो। और भाई अगर मैं ये मान रहा हूँ कि अगर मैंने, आप जूम मोड पे डालो फिर इसको, ड्राइव मोड पे लगाओ एक बार और दबाओ जूम, अब इसका पावर पंजा दबाओ, अब देखो अब खींचिए थोड़ी सी, पेट्रोल में ज्यादा है, पेट्रोल अब यही से यूटर्न ले लेना भाई। देख पेट्रोल मैं मानता हूँ कि ये ठीक है, मेरा जो थर्ड गियर है ना भाई हाँ। थर्ड गियर तुमने भी देखा यार हाँ, थर्ड गियर लगते ही गाड़ी गोली, वो गोली होती है एकदम, यही अगर आप उसमें ऑटोमेटिक लेते हो हाँ, तो भाई तो वही तो मैं, यही तो डिफरेंस है ना, इसलिए तो ये गाड़ी तो भाई हम आपको यही समझाना चाह रहे हैं मैनुअल के शौकीन हो। देख अब ये देख इनका, इसका देख, अब जैसे गियर शिफ्टिंग होगी अब देख, भाग नहीं रही, बहुत प्यारा गियर बॉक्स है यार, पर भाग नहीं रही, वो वाली मैं कह रहा हूँ ना, वो डीजल वाली बात है, पेट्रोल वाली बात नहीं है। पर ये है कि हाँ, अगर यही पेट्रोल में होती, ये पेट्रोल में होती ना, ये इसको ड्रैग में भी तुम्हारे भाई ये कहीं आसानी से पिछड़ती नहीं। पेट्रोल ऑटोमेटिक तो बहुत फास्ट वो आसानी से उसे हराना आसान नहीं होता भाई। मुझे इसे चलाने में जो स्मूथनेस लग रही है ना, वैसे चलाने में देखा जाए पिकअप से अलग, वो बहुत अच्छा, मतलब गियर बॉक्स के हिसाब से भाई। देख एक तो क्लच नहीं दबाना जो सबसे ज्यादा इरिटेटिंग है इस समय मेरे लिए सामने तो जैसे कि डीजल आप चला रहे हो तो डीजल आपको स्मूथ लग रही है पेट्रोल के अकॉर्डिंग भाई? मुझे देखो चलाने में बहुत स्मूथ लग रही है, पिकअप वाइज थोड़ा सा फील हो रहा है कि पिकअप इसका थोड़ा वो है, पर हाँ अगर एक नॉर्मल बंदा चला रहा है जिसे रेस वेस का दिमाग ना लगाओ या जिसे तेज चलाने का शौक नहीं है, एक एवरेज नॉर्मल आदमी के लिए सही है। नहीं यार पिकअप इतना भी दबा हुआ, वही मैं कह रहा हूँ सही है। अगर आप पेट्रोल चलाते हो ना तो उसमें ज्यादा पावर है इसलिए आपको लग रहा है, नॉर्मल चलाए तो चलेगा भाई, वही मैं कह रहा हूँ बिल्कुल नॉर्मल, फिर तो नॉर्मल चलेगा वो ऑटोमेटिक का जो कन्वीनियंस है। अपनी गाड़ी में मैं यूं करता रहता हूं, यूं करता रहता हूं, परेशान हो गया हूं भाई। एक बात बताओ, जैसे आपको हैंडलिंग में कुछ फर्क लग रहा है? हैंडलिंग में रुक जाओ, सेम नहीं, सेम गाड़ी है बिल्कुल, सब कुछ सेम है, बस मेरे को चलाना और आसान हो गया गाड़ी। एक बार होता है ना कि पेट्रोल इंजन थोड़े लाइट होते हैं। नहीं भाई अच्छा, ऐसा कुछ एक चीज मुझे फील हो रही है, इंजन नॉइस। हाँ इंजन नॉइस है मुझे फील हो रही है, ये तो बहुत ज्यादा इंजन नॉइस, क्यों वो भाई बहुत साइलेंट है बिल्कुल, जो पेट्रोल आती है बहुत ज्यादा थोड़ा करता भी है। हाँ हाँ, क्योंकि मेरी एस्टर वो भी ऑटोमेटिक है, वो भी करती है थोड़ी सी इंजन नॉइस मैनुअल के मुकाबले में, लेकिन जो स्कॉर्पियन पेट्रोल है ना बहुत ज्यादा साइलेंट है। मेरी तो गाड़ी में कोई आवाज ही नहीं, आवाज ही नहीं आती, मतलब अभी आई थी ना हल्की सी, जब हमने ब्रेक छोड़ दी आवाज हल्की सी आ जाएगी। देखो आप देखो ज़ूम कर रही है ना, ये मेरी गाड़ी में बिल्कुल नहीं है साइलेंट, अगर ये ऑटोमेटिक में थोड़ा आता है हाँ। अब ये भी हम दबा सकते हैं, गाने चला लो फिर हमें ज्यादा फील नहीं होगा, गाने सुन तो आती फिर फील नहीं हो भाई। जो मेजर डिफरेंस है ना मेरे को ये लगा भाई ऑटोमेटिक चलाने का, भाई
बहुत बहुत ही ज्यादा इजी हो गई ड्राइव, इजी हो गई बहुत ज्यादा। जैसे भाई हम दिल्ली गुड़गांव के बंदे हैं, तो भाई आप लोगों को पता ही होगा इतना ट्रैफिक है। अभी हमें यहाँ से गाजियाबाद जाना है दिल्ली होते हुए, तो कितनी हालत खराब हो जाएगी यहाँ, बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक। तो वही ऑटोमेटिक कन्वीनियंस रहता है थोड़ा सा और सही रहता है। वही है मैनुअल, भाई हमें भी शौक है, हमने मैनुअल बचपन सीखी मैनुअल से गाड़ी, गलती कर दिया। तो भाई व्यूअर्स को बताओ, अब समझाओ, मैं अपील करूंगा भाई, कोई भी कोशिश करना अगर तुम्हारा बजट हो तो भाई ऑटोमेटिक पे जाना। मेरी जरा बेवकूफी मत करना, एक साल पहले मैंने ये गलती करी कि मैं तो मैनुअली लूंगा, जबकि मेरे पास ऑप्शन था ऑटोमेटिक का, और इस भाई ने भी मुझे बोला था भाई ऑटोमेटिक ले, पर मैं कहा भाई मुझे जब तक गियर नहीं लगता ना, जब तक मजा नहीं आता, और वो एकदम मेरे दिमाग से ना वो वॉश हो गया, अब मेरे गियर लग गए जिंदगी के। यही रोहन भाई सजेस्ट करेंगे, क्यों भाई? भाई बिल्कुल ऑटोमेटिक लो भाई, इतनी बड़ी गाड़ी वैसे भी ऑटोमेटिक ही सही रहता है। और मेन बात देखा, अगर और कोई कंपनी हो, अब देखो आपने फॉर्च्यूनर में भी देखो, और फॉर्च्यूनर का जो गियर बॉक्स है ना मैनुअल इनोवा, बहुत ही ज्यादा हार्ड, बहुत हार्ड भाई। देखो वो तो मर्द गाड़ी है, वो तो भाई फॉर्च्यूनर का स्टीयरिंग हाइड्रोलिक है, सही कह रहे हो, वो तो मर्द गाड़ी है पूरी। अब जो पूरा एंथुसियास्ट होगा ना कि हां मुझे वैसी फील ले, रफ एंड टफ, रफ एंड टफ, वो तो मैनुअल लेगा। और जिसको थोड़ा लग रहा है कि चलो ऑटोमेटिक कन्वीनियंट है, वैसे ऑटोमेटिक ले लो भाई। जो गियर बॉक्स है ना मैनुअल, वो बस उसमें शिकायतें हैं, इसलिए हम आपको इसलिए कह रहे हैं भाई, वरना मैनुअल तो मैनुअल होता है, मैनुअल अच्छा हो उसका मैनुअल भाई। देखो इसकी गियर शिफ्टिंग बहुत स्मूथ है भाई, मजा आ रहा है, मतलब चलाने में इतनी इजी हो गई ना ड्राइव, मेरे को लगता है तो अपनी गाड़ी चलाने वाली फील आ रही है, बिल्कुल सब कुछ सेम, सब सेम है, बस फर्क यहां है, थीम पूरी सेफ है, सेम है, बस हमारा डीजल का फर्क है और अपने गियर इसका मैनुअल का और इसका फर्क है, बाकी सारी थीम सेम है। तो मुझे तो एक तरीके से अपनी गाड़ी वाली फील आई, बस ये लग रहा था कि गाड़ी चेंज हो गई है, गियर नहीं मारना। तो भाई देख लो, हमने हमने पहले भी आपको ये रिकमेंड करा था, जब लोगों ने हमें बोला भी था कि भाई आप मैनुअल क्यों ऐसे बोल रहे हो, तो आज हमने भाई आपको पूरा डिटेल में समझा दिया गाड़ी के साथ। तो यही था वीडियो, अगर आप नॉइज झेल सकते हो तो डीजल ले लो, और अगर नॉइज की बात नहीं, आप नॉइज की बात नहीं, डीजल और पेट्रोल में फर्क होता है आपकी रनिंग के ऊपर। रोहन भाई गलत कह रहा हूँ, पेट्रोल में एवरेज नहीं है भाई, एवरेज क्या दे रही है आपकी? एवरेज तो भाई अभी तो कम है, क्योंकि मैं भगाता हूं। हाँ, वैसे आप वैसे हाईवे पे लेकर, हाईवे पे तो 15 का दे देती है, मेरी तो 12 से ऊपर जाती नहीं भाई, और अभी सिटी में तो 7.5 है। अगर मैं आराम से भी चलाता हूँ ना 16-17 का, तो भाई ये डीजल और पेट्रोल का जो फर्क आता है 7.5 है भाई सिटी में। हाँ, और मेरी अभी तो जैसे 9:30 दिखा रही होगी, वो भी भगाने कितनी भगाने पे। और वैसे अगर आराम चलाओ ना तो 11:30-11 का भी देती है। देखो भाई ये 9.2 तो इसका नॉर्मल दिखा रही है, यहाँ तो हमारी इतनी भगाने पे 7.2 दिखाते नॉर्मल भाई वो भगाने पे ऐसे भगाते तो तो भाई ये फर्क आ रहा है। एक तो 15 साल और 10 साल वाला इशू रहता है भाई डीजल पेट्रोल में। अगर आपकी रनिंग ज्यादा, जैसे भाई की रनिंग थी ज्यादा, भाई ने चला दी 22,000, तो इनके लिए सही है डीजल, लेकिन हम डीजल की तरफ जाते तो हमारे लिए नहीं रहता सही। और तो हमारी नहीं चलती, आपकी 5 साल और चलेगी तो रीसेल पेट्रोल की ज्यादा अच्छी होगी। और फिर आगे आगे ये डीजल गाड़ी को धीरे धीरे भाई कंपनियां कर रही है। मुझे तो ये भी पता था कि देखो आगे डीजल बंद हो जाएगा 2025 के बाद, खैर ये गाड़ी तो चलेंगी, ये तो जो आ गई वो तो चलेंगी, BS4 वाली तो शायद बंद हो जाएंगी 25 के बाद, पर BS6 वाली चलेंगी। तो मैंने कहा आप आखिरी जो डीजल आ रहा है वो तो चला लो, लेकिन आगे मौका मिले ना मिले सही बात है, लास्ट जनरेशन है जो डीजल लवर होता है, मैंने नोटिस करा है वो भाई डीजल ही प्रेफर करता है। आपको कोई सी भी गाड़ी लो डीजल तो VW ने डीजल बंद कर दिया, नहीं तो अब काफी कंपनियां बंद करी, मारुति ने बंद कर दी। चलो भाई यही था इस वीडियो में, बाकी अब आप कमेंट में बता सकते हो आपके क्या प्रेफरेंस है, ऑटोमेटिक है या मैनुअल है, डीजल है पेट्रोल है, जैसा कि हमारी चल रही है डिबेट। चलो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, जय श्री राम।